आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं, आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते। दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर उसको कोई सजा नहीं जाता है, ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है, ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।